दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय नगर परिषद पांवटा साहिब। जिला सिरमौर की पंचायतों की गलियां अब नेशनल सोलर मिशन के तहत रोशन होंगी। जिला में इसके लिए हिम ऊर्जा के माध्यम से 12 वाट्स के 1800 सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं। लाइट्स केवल वहीं लग पाएंगी जहां पूर्व में 20 से भी कम या बिल्कुल भी सोलर लाइट्स नहीं लग पाई हैं, ताकि गांव की गलियां अंधेरी ना रहे। सोलर लाइट्स पंचायतों को 90% सब्सिडी के आधार पर दी जा रही है, जिसमें पंचायतें 1730 रुपए की राशि ही जमा करवाएगी। 12 वॉट एलईडी की लाइट्स की बैटरियों को भी पुख्ता किया गया है। नमस्कार पीओ साहब, हिम ऊर्जा जिला सिरमौर में किस तरह से पंचायतों को रोशन करने की तैयारी कर रहा है? हिम ऊर्जा राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत इस साल 1800 स्टेट लाइट के जो है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूरे सिरमौर जिला में लगाने जा रहे हैं। इसमें 1730 रुपये पर स्ट्रीट लाइट की दर से जो है वो उपभोक्ता अंशदान जो है वो पंचायतें देंगी, और 90% जो सब्सिडी है वो भारत सरकार उसमें नहीं करेगी। तो ये इसमें हमारे को जो है लगभग 100 के करीब रेजोल्यूशन जो है वो विभिन्न पंचायतों से प्राप्त हुए थे। तो उसकी स्क्रूटनी करके हमने जो है ना, जिन पंचायतों को हमने 20 से अधिक स्ट्रीट लाइटें पहले इस प्रोग्राम में दे दी थी उनको रिजेक्ट करके, बाकी जो कोशिश हमारी ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पंचायतें हों जहाँ पे पहले ये स्ट्रीट लाइटें लगी हुई, तो उन पंचायतों में हम लगाने जा रहे हैं, जिसमें से कि 500 स्ट्रीट लाइटें हमने जो है वो डिलीवर भी कर दी है विभिन्न पंचायतों को, और 1300 स्ट्रीट लाइटें जो है वो बहुत जल्दी इस वक्त आने वाली है। सर, पूर्व में भी देखने में आया है कि जो स्ट्रीट लाइटें सोलर ऊर्जा की लगाई गई उसमें जो है कई बार बैटरी चोरी या कई बार अन्य कारणों से जो है वो फंक्शनल नहीं हो पाती है, तो इसके लिए नए जो राष्ट्रीय जो मिशन चला है सोलर ऊर्जा का लाइट्सों का, तो उसमें किस तरह की अब ये खामियों को दूर किया गया है? ये एक काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और इससे हम काफ़ी परेशान भी थे क्योंकि हर साल जो है वो चोरी की बहुत सारी घटनाएँ देखने में मिल रही थी। तो अभी हमारा जो ग्राम पंचायतों के साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो MOU हुआ है, तो उसके मुताबिक इस समस्या से निजात पाने के लिए जो पहले हम बैटरियां लगाते थे उसको बदल करके लिथियम आयन टाइप की बैटरीज जो है वो सिलेक्ट की गई है, और वो बैटरीज जो है ना उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और उसको ऊपर उसमें ही मॉड्यूल के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि चोरी होने की संभावनाएं जो है बहुत कम है। पीओ साहब, जिला सिरमौर में पावर प्लांट के सौर ऊर्जा के पावर प्लांट की क्या स्थिति है? पावर प्लांट जो है वो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दो स्कीमों में लगाया जाता है। ऑफ ग्रिड में तो हमने 131 किलोवाट की एक प्रपोजल मिनिस्ट्री को पिछले साल भेज रखी है, जो अभी तक वहाँ लंबित है, हमारे को मिली नहीं है। अगर वो अप्रूवल मिलती है तो हम जिला सिरमौर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जो है ऑफ ग्रिड के पावर प्लांट 90% सब्सिडी पे लगाएंगे, बट अभी ये प्रपोजल अप्रूव नहीं हुई। और जो ऑन ग्रिड की बात है, जो आम घरेलू उपभोक्ता हैं वो इस स्कीम में कवर किए जाते हैं, उनको हमने पिछले साल जो है वो 70% सेंट्रल सब्सिडी और 10% की लगभग आती है वो 4000 रुपये पर किलोवाट की दर से जो है वो हिमाचल सरकार ने उन लोगों को सब्सिडी दी है। तो इसमें हमने जो है वो 435 किलोवाट के करीब जो है पिछले साल विभिन्न 52 के करीब जो बेनिफिशरीज थे वो लाभान्वित किए हैं। तो इस साल का अभी हम देख रहे हैं कि क्योंकि सब्सिडी पैटर्न जो है थोड़ा चेंज हो गया है, रेट भी थोड़ा चेंज हो गया है, इस साल का अभी शुरू होने वाला है। नगर परिषद पांवटा साहिब की प्रबुद्ध जनता से अपील करती है कि कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है व शहर को 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से मास्क, सैनिटाइजर व प्रवासी मजदूरों को राशन भी आवंटित किया गया है, साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को इस महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य करने को 2 बार 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके साथ साथ नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व होर्डिंग्स लगाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को प्रचारित व प्रसारित किया गया है। नगर परिषद पांवटा साहिब की ओर से
कोविड-19 के लिए पूरी जोर कार्य किया गया है, जिसमें हमने पूरे शहर को 3 से 4 बार सैनिटाइज किया गया है। इसमें हमने फायर वालों का भी सेवाएं दी हैं और साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं वो दिन रात इस पे लगे रहे और अभी भी लगे हुए हैं, मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और हमने जो है हमने कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर 1500 रुपया 2 महीने का 1500-1500 रुपया एक प्रोत्साहन राशि भी हमने उन्हें उपलब्ध कराए हैं, ताकि उनका साहस बना रहे। और इसके साथ साथ हम मैं आपके माध्यम से नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं उसका अनुपालन सारा अक्षरशः करें, ताकि हम इस महामारी से बचे रह सकें और किसी भी तरह का उल्लंघन करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि ये बीमारी अदृश्य दुश्मन है जो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी अटैक कर सकता है। सावधानी बरतें और स्वच्छ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नगर परिषद पौंडा साहिब द्वारा जनहित में जारी